हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया कुकिंग क्लासेस। माय नेम इज़ रोहिणी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बेसिक नोजल्स कौन कौन से हैं और उनका यूज़ कैसे करना है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट में अलग अलग टाइप के नोज़ल मिलते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उन्हें कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा नोज़ल ख़रीदना चाहिए। आज इस वीडियो में हम वही देखेंगे, बेसिक नोज़ल्स। नोज़ल डालने के लिए पाइपिंग बैग की ज़रूरत होती है। मार्केट में इस टाइप के पाइपिंग बैग मिलते हैं। इसमें छोटा, बड़ा और मीडियम, ये तीन साइज मिलते हैं। ये मीडियम साइज है। ये है 1M नोजल। 1M और N1, ये दोनों नोजल सेम ही है। नोजल का यूज करते समय फर्स्ट हमें इसे पाइपिंग बैग के अंदर डालना है। जो नोजल का डिजाइन है वो बैग के बाहर आना चाहिए, उतना हमें इसे कट करना है। अब इस बैग के अंदर हमें क्रीम फिल करनी है। इस पाइपिंग बैग के अंदर हमें एक या दो स्पैचुला के ऊपर ज़्यादा क्रीम नहीं भरनी है, क्योंकि हाथ की गर्मी के वजह से क्रीम मेल्ट होना स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग की जो डिज़ाइन वो अच्छी आती है, और लास्ट की जो डिज़ाइन है वो बाद में उसका फिनिशिंग अच्छा नहीं आता है क्रीम मेल्ट होने के कारण। अब इस बैग को हमें इस प्रॉपर तरीके से हाथ में पकड़ना है और डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना है। अब हम इस 1M नोजल से देखेंगे हम कौन कौन सी डिज़ाइन बना सकते हैं। पाइपिंग बैग को मैंने स्ट्रेट पकड़ा है और थोड़ा सा हमें इसे प्रेस करना है और उठाना है, प्रेस करना है, उठाना है। इस तरह ये ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन रेडी होती है। इसी सेम नोजल से हम रोजेट बनाएंगे। पाइपिंग बैग को स्ट्रेट पकड़ना है और गोल घुमाना है, तो ये रोजेट रेडी हो जाते हैं। इसी सेम 1M नोजल से आप ऐसे सुंदर बॉर्डर भी बना सकते हो। इसी सेम नोजल से हम ऐसे सिंपल स्ट्रिप भी बना सकते हैं। तो M1 और N1 नोजल यूज़ करके आप बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हो, तो ये नोजल आपके पास होना ही चाहिए। यह है N2 नोजल। ये N1 नोजल से थोड़ा सा छोटा है। इस नोजल से N1 या 1M नोजल जैसे ही डिज़ाइन रेडी होते हैं, लेकिन इसके जो डिज़ाइन का शेप है वो थोड़ा सा अलग है। ये नेक्स्ट जो नोजल है उसका नंबर है 55026। फ्रेंड्स, नंबर का कुछ नहीं, अगर ये डिज़ाइन मैच हो रहा है तो आप ये नोजल खरीद सकते हो। पाइपिंग बैग को स्ट्रेट पकड़ना है और थोड़ा सा प्रेस करना है, तो ये मोदक जैसी ब्यूटीफुल डिज़ाइन रेडी होती है। इस नोजल का यूज़ करके आप अलग अलग बॉर्डर के डिज़ाइंस भी बना सकते हो। इसे अगर आप रोजेट बनाएंगे तो ऐसे दिखते हैं। नेक्स्ट, मेरे पास ये झिकझैग वाला नोजल है। इससे बहुत अच्छा मोदक का डिज़ाइन रेडी होता है। इसी सेम झिकझैग नोजल से हम बॉर्डर्स भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा बॉर्डर रेडी होता है। इसी सेम झिकझैग नोजल से हम ये भी वेणी जैसा डिज़ाइन बना सकते हैं। ये जो मेरे पास झिकझैग का नोजल है उसका नंबर है M4B। ये ऐसे दिखता है। मेरे पास जो ये नोजल है उसका नंबर है Noor 7। ये 1M और N1 जैसा ही नोजल है, लेकिन बहुत छोटा है। इससे छोटे छोटे रोजेट तैयार होते हैं। इसका यूज करके भी हम अलग अलग बॉर्डर और डिजाइंस बना सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स भी रेडी होते हैं इससे। नेक्स्ट, ये है लीफ नोजल। इसका शेप इंपॉर्टेंट है। मेरे पास जो है उसका नंबर है Noor 10। इससे आप ऐसे छोटे छोटे लीफ बना सकते हो। पाइपिंग बैग को थोड़ा सा क्रॉस पकड़ना है, प्रेस करना है और पीछे खींचना है, तो ये लीफ रेडी हो जाएंगे। इससे हम ऐसे रफल का भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इससे अब मैं आपको बड़ा लीफ बना के दिखाती हूँ। जस्ट हाथ को ऐसे पकड़ना है, थोड़ा सा शेक करना है और पीछे खींचना है, तो ये बड़े लीफ रेडी हो जाएंगे। इसी सेम लीफ नोजल से अब मैं आपको एक रफल बना के दिखाती हूँ। ये छोटा सा इसके बीच में वी है। इस नोजल को हमें इस तरह पकड़ना है और हमें इस तरह ये ऐसे रफल्स बनाने हैं। आप इस डिजाइन का यूज केक के ऊपर, केक के साइड में या डॉल केक बनाते समय भी कर सकते हो। लीफ नोजल का यूज करके आप सिंपल फ्लावर भी बना सकते हो। पहले हमें ऐसे छोटा सा बेस बनाना है फ्लावर के लिए, बाद में हमें ऐसे सिर्फ पेटल्स बनाने हैं। जस्ट हमें ये हल्के हाथ से ऐसे पेटल्स बनाने हैं, तो ये सुंदर फ्लावर रेडी होता है। नेक्स्ट, ये है बास्केट नोजल।
इसका नंबर है नूर 36। इस नोज़ल से भी बहुत अच्छा बास्केट डिज़ाइन रेडी होता है। ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमें एक लाइन खींचना है, उस लाइन को ओवरलैप करते हुए हमें और लाइंस खींचने हैं। जो ओवरलैप किए हुए लाइंस है वो जहाँ से ख़त्म होते हैं वहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है। अब जो गैप्स दिख रहे हैं वो गैप्स हमें फिर से लाइंस बना के फिल करने हैं। अब यही सेम मेथड से हमें ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। इस डिज़ाइन का यूज़ हम बास्केट केक के साथ अलग अलग केक के लिए भी कर सकते हैं। इसी सेम नोज़ल को जस्ट हमें आगे पीछे ऐसे करना है तो ये सुंदर बॉर्डर का डिज़ाइन भी रेडी होता है। इसी सेम बास्केट नोज़ल से हम ऐसे सिंपल रफल का डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये है R11 नंबर का नोज़ल, इससे रोज़ फ्लावर रेडी होता है। इस नोज़ल का जो थिन वाला पार्ट है वो हमें ऊपर की साइड में रखना है और जो ब्रॉड वाला पार्ट है वो हमें नीचे की साइड में रखना है। सभी फ्लावर बनाते समय पहले हमें उस फ्लावर के लिए बेस बनाना है रोज़ नेल के ऊपर। इस बेस को हमें कवर करना है। रोज़ फ्लावर बनाने के लिए यहाँ पे हमें ये उल्टा सी बनाना है और पहला सी ख़त्म होने के बाद पहले सी के मिडल से हमें दूसरा सी बनाना है। इस तरह ये पेटल्स रेडी हो जाएंगे। फ्लावर आपको जितना बड़ा चाहिए उतने आप इसके पेटल्स बना सकते हो। इस फ्लावर को मैं इतना ही रखने वाली हूँ। अब इसके ऊपर मैं ये रेड कलर डस्ट कर रही हूँ। आप क्रीम के अंदर भी कलर मिक्स कर सकते हो। फ्लावर को अगर हमें डार्क कलर लाना है तो क्रीम के अंदर आप पूरी बॉटल भी डालोगे तो कभी कभी डार्क कलर नहीं आता है, उस टाइम हमें ये डस्ट कलर बहुत काम में आते हैं। डस्ट कलर को हमें सिर्फ ऊपर से डस्ट करना होता है। अब ये हमारा ब्यूटीफुल सा रोज़ फ्लावर रेडी हो गया है। वो रेडी होने के बाद इसे हमें फोक से या सीजर से हल्के हाथ से उठाना है और केक के ऊपर ऐसे प्लेस करना है। यहाँ पे मैं और एक रोज़ फ्लावर छोटा सा बना रही हूँ। उसके लिए हमें सिंपल से ऐसे राउंड में बेस बनाना है और इस बेस को हमें ऐसे पेटल्स बनाते हुए कवर करते जाना है। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा रोज़ फ्लावर रेडी हो जाएगा। कौन सा भी डिज़ाइन बनाते समय क्रीम जो है सॉफ्ट होनी चाहिए, उससे डिज़ाइन का फिनिशिंग अच्छा आता है। अब इस फ्लावर को भी मैं ऊपर से कलर डस्ट कर रही हूँ। इस रेडी फ्लावर को केक के ऊपर हल्के हाथ से प्लेस करना है। अब हम इसी सेम नोज़ल से दूसरा एक फ्लावर बनाएंगे। हमें सिंपल सा एक राउंड में बेस बनाना है। जो नोज़ल का थिन पार्ट है मैंने ऊपर की साइड में रखा है। जस्ट हमें ऐसे एक पेटल बनाना है और जो पहला पेटल है उसके नीचे से स्टार्ट करते हुए हमें दूसरा पेटल बनाना है। अब दूसरे पेटल के नीचे से स्टार्ट करते हुए तीसरा पेटल, ऐसे करते हुए हमें ये पेटल्स बनाने हैं। इस फ्लावर के मिडल में मैं रेड कलर डस्ट कर रही हूँ और साइड में मैं इस फ्लावर को येलो कलर से थोड़ा सा ऐसे डस्ट कर रही हूँ। फ्लावर को रखने के लिए छोटा सा बेस बनाना है और उसके ऊपर रेडी फ्लावर को रखना है। और एक अलग डिज़ाइन बनाएंगे फ्लावर का। उसके लिए हमें राउंड में ऐसे सिंपल बेस बनाना है। नोज़ल का जो ब्रॉड पार्ट है उसे हमें ऊपर की साइड में रखना है। हाथ को हमें थोड़ा सा शेक करते हुए ऐसे हमें पेटल्स बनाने हैं। ये एक सिंपल फ्लावर है और दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ पे मैंने 5 पेटल्स बनाए हैं इस फ्लावर के। इस फ्लावर को भी मैं ऊपर से रेड कलर से डस्ट कर रही हूँ। तो ये हमारा सुंदर और सिंपल ऐसा फ्लावर रेडी हो गया है। इसे हम R11 नंबर के नोज़ल से हम और एक फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए हमें सिंपल ऐसे एक बेस बनाना है, उस बेस को हमें ऐसे कवर करना है और उसके बाद हमें छोटे छोटे पेटल्स बनाते जाना है। नोज़ल का जो थिन पार्ट है मैंने ऊपर की साइड में रखा है। छोटे छोटे पेटल्स बनाते हुए ये फ्लावर हमें कंप्लीट करना है। जितना आपको बड़ा फ्लावर चाहिए उतने आपको पेटल्स बनाते जाना है। यहाँ पे ये मैंने एक बड़ा सा फ्लावर बनाया है। अब इसके ऊपर से भी मैं येलो कलर डस्ट कर रही हूँ और रेडी होने के बाद उसे हल्के हाथ से उठाना है और केक के ऊपर हमें इसे प्लेस करना है। इसको थोड़ा सा शेड देने के लिए मैं येलो के ऊपर थोड़ा सा रेड कलर डस्ट कर रही हूँ। यह है ग्रास नोज़ल।
को मैंने पाइपिंग बैग के अंदर डाल दिया है और पाइपिंग बैग के अंदर ही मैंने ग्रीन कलर डाला है और उसे स्प्रेड करके लिया है। अब इसके अंदर हमें रेडी क्रीम फिल करनी है। पाइपिंग बैग को स्ट्रेट पकड़ना है, थोड़ा सा पुश करना है और हमें हाथ को उठाना है, तो ये हमारा ग्रास का डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। यहाँ पे एक पाइपिंग बैग के अंदर मैंने ग्रीन क्रीम को फिल करके लिया है। पाइपिंग बैग को मैंने छोटा सा कट लगाया है और सिर्फ हमें इसे ऐसे प्रेस करना है, पीछे खींचना है, तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा क्रीपर्स का डिज़ाइन रेडी होता है। अब हम विदाउट नोजल लीफ डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए पाइपिंग बैग को हमें वी शेप में कट करना है, मतलब उल्टा भी कट करना है। अब ये मैंने उल्टा भी कट करके लिया है। अब हम इससे लीफ बनाएंगे। जहाँ भी हमें लीफ बनाने हैं वहाँ पे पाइपिंग बैग को पकड़ना है, थोड़ा सा पुश करना है, हाथ को थोड़ा सा शेक करना है और पीछे खींचना है, तो ये हमारे ब्यूटीफुल से लीफ रेडी हो जाएंगे। इसी तरह हम बड़े छोटे लीफ बना सकते हैं। इस तरह ये हम छोटे लीफ भी बना सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक नोजल्स कौन से और उनका यूज़ कैसे करना है वो बताया है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और केक के अलग अलग डिज़ाइंस, फ्लेवर्स और अलग अलग रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।